मेरे व्लॉग ज्यादा देख लिए उन्होंने भाई, गलत पार्टी चल रही है, नेक्स्ट लेवल पार्टी। अभी मुझे फोन आया, पहले फोन करती है 8 बजे पहुंच के। सो गाइस, आतंकवादी कह रहा शिट, कल हमने वो टेररिस्ट अटैक में देखा था ना, इसलिए मेरे मुंह से ये निकला है। हे गाइस, व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। देखा, अभी जैसे जैसे हमारे न्यू ईयर्स की शुरुआत हो रही है, वैसे वैसे एनर्जी ज्यादा पार्टी की जा रही है। साला मेरे को बस टैग मत करो यार, ये टैग कर जाने मुझे, साले पहाड़ पे ये लोग घूम रहे बर्फ पे, मेरे को टैग कर जाने फाइनली 1 महीने बाद लेग्स की बारी आ चुकी है। आज हम करेंगे चिकन लेग्स, और बना देंगे इसको हाथी लेग्स। ये देखिए, ये थी चिकन लेग्स। अबे दिल्ली है ये साले, हिमाचल की दिल्ली चल जाएगी। मैं कह रहा स्विमिंग करने चलते हैं, एकदम बढ़िया ठंडा हो रहा है, तभी तो मज़ा आएगा ना स्विमिंग करके। स्विमिंग पागल है, चल स्विमिंग जम जाएगा। स्विमिंग बीबी, अभी जाके मैं बढ़िया सी रील बनाता हूँ। नाइस वंस गाइस, लिटरली बता रहा हूँ मैं, तुम्हारे कमेंट्स पढ़ते ना मैं हंसते से गिर जाता हूँ भाई। तो अभी तुम लोगों को सीन नहीं पता, बट मैंने ना उस दिन जैसे हम स्काय गए थे, उस दिन मैंने पता नहीं क्या, मैंने एक स्टोरी लगा दी थी जो ईशो ने मेरे अकाउंट से डिलीट कर दी थी 17 मिनट में 17,000 लोगों ने देख ली थी वो। तो फिर मैंने सबसे पूछा था कि भाई वीडियो क्या डाली, क्योंकि वो मेरे को दिखी नहीं थी, मैंने डाला क्या। फिर आज मुझे ना किसी ने भेजी वीडियो भेजी वो, तो मैं देख के हंसते से गिर गया, क्योंकि मैंने क्या स्टोरी पर डाल दी थी। शिट, तुम लोगों ने मिस कर दिया, जिन लोगों ने मिस कर दिया ना, जाके बेल बेल दबा दिया करो, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। अगर तुम्हें पुश नोटिफिकेशन आती है ना कि मैं स्टोरी डाली है, वो देख लिया करो, वो कभी भी डिलीट हो सकती है। सेम विद द ब्लॉग, जैसे ही आता है वैसे देख लिया करो, क्योंकि फिर डिलीट हो जाता है बहुत कुछ मामला। फिर मेरे को बोला कि हमने नहीं देखा। एनी हू, हम आज कर रहे हैं लेक शायद, बस मेरा यहाँ पर दिल नहीं लग रहा, थोड़े दिन की बात होती है, फिर मैं मुझे याद आने लग जाती है छठे की, पहाड़ों की, तुम लोगों की। बस देखो क्या खबर के, बस समझा रहे हैं अपने 2 बजे। गुड न्यूज़ है एक, अच्छा मैं अभी निकाला, चलो कन्फर्म हो जाए, मेरे पास बताता हूँ। एक जगह जाना पड़ रहा है, एक टूरिज्म, वो जगह बीच में इंडिया के, गेस करो कहाँ कहाँ ना कहाने का प्लान बन रहा है, बंदोबस्त। वहाँ मैं पहले भी गया हुआ 4 साल पहले। चिकन सांस आ गए, आज क्या बेल्ट पहन की थी पहली बार, ये वाली बेल्ट ऐसे एक हाथ से खींची और घुसा दी, मैं सांस ही नहीं आ रही थी। चल चिकन, कचरा पड़े यहाँ पे, आंधी तूफान आया नहीं कि कचरा अंदर। बढ़िया वर्कआउट हो गया, एकदम बढ़िया लेग्स कर लिए हमने, 600 कैलोरीज बन ली, 600 दैट इज। फिर भी भाई हम तो होते नहीं है, 640 पिज्जा आएगा, तू पिज्जे पिज्जे दबाएंगे। हम वापस क्लीन पे आ गए हैं, तो बंदर बना रहे हैं बढ़िया अंडे। नाइस, क्या बना रहे बे, अंडे की भुर्जी? या सो नाइस पापड़ी, ओ वाह देसी घी डाल तुमने, चल मेरे कोविड तो नहीं है, मैं स्मेल आ रही है देसी घी की, कोविड है। हाँ हाँ, बढ़िया स्मेल आ रही है। ये बन गया हमारा प्रोटीन शेक, कोई पापड़ी के देसी की, बहुत गंदी फैट्स होते हैं, खाने चाहिए। श्योर, घर पूरा साफ हो गया, यहाँ का सारा कचरा चला गया, वहाँ भी सब साफ हो गया, सब कुछ मैंने साफ किया है, कितना अच्छा हूँ मैं। ये देखो अभी ये बस बचा है, ये पता नहीं कहाँ से आया ऑरेंज ऑरेंज, इसको हम साफ करने लगे हैं। साले साफ हो, नकली टेबल है साली की। अभी आकार आ चुका है एकदम, पाताल लोक में आ गए हम, पाताल लोक। टू पेट्स, ये ब्रेकफास्ट बना दिया बंदन ने। गाइस ये देखो, ये वाली गाड़ी देखो, बढ़िया एकदम लूसिड बंदर ये ले भाई, इसकी 1100 हॉर्स पावर है, 1111 हॉर्स पावर, ये टेस्ला की माँ बहन कर देगा। ब्रैकेट्स रिजर्व नाउ, इसका सऊदी के अंदर प्लांट लग चुका है ऑलरेडी, यूनाइटेड स्टेट्स थोड़ी है, हम हैं यूएई में भाई। 1100 दिरहम में हो रही है टूरिंग, हो रही है इसकी 480 है सिर्फ, इसकी 620 है, और ग्रैंड टूरिंग जिसकी 800 हॉर्स पावर है उसकी वो हो रही है 3800 में। पर मिलेगी कब, ये फुली रिफंडेबल दिस थिंग, वो बुक कर सकते हैं सिर्फ, मतलब क्या बात कर रहे हैं, तो कब मिलेगी, 3 साल बाद, 2023 लॉन्च। टू पेट्स, चल गए हम बढ़िया ब्रेकफास्ट इंजॉय करते हैं। नाइस पॉइंट। सो गाइस, सुहाना मौसम हो रहा है, मैंने कहा ताज़ी हवा खा के आए हैं थोड़ी पापड़ी के स्टाइल्स, ऐसे चेक कलेक्ट करने जाना था, मैं चिंटू ने ले लिया वहाँ जाके, तो बच गए, वहाँ जाना मुझे पसंद नहीं है। हम जा रहे हैं, ये फ़ोन नहीं उठा रही है, मैं निकल चुका था गाड़ी में, मैंने कहा चल एक राउंड मार के आ जाते हैं, नो नहीं चलते हैं, न्यू ईयर विश तो कराएं। टू पेट्स,
यार अभी व्लॉग भी लाइव लेने हैं यार, ये टाइटल टूटल दिखाने में ना बहुत ही टाइम लगता है वैसे, टाइटल टूटल का झंझट ना बड़ा बहुत है। मेरे को ऐसा लगता है जो मेरे दिमाग में है वो लिख दूँ, तो मैं क्या करता हूँ जैसे वीडियो डली है उसने गौरव चौधरी ने अपलोड करी, मैं देखता हूँ उसी में से जो फोटोज आती हैं उस पर देखा, एक में मैंने टोपी नहीं पहनी थी तो मैंने सोचा भाई लिख दूँ टोपी चोरी होगी कुछ भी लिख दो, फिर मैं कहा यार ये सब बहुत मुश्किल काम है। स्टाइल्स तो जो टाइटल बनाता है उसकी आजकल क्लासेस चल रही हैं, ओमपुरी की क्लासेस चल रही हैं, तो वो या तो 4 बजे से पहले बना सकता है या तो 7 बजे के बाद बना सकता है, तो कट जाता है बहुत पट। यार अकाल है वो यहाँ तो भाई, इस गाड़ी की ब्रेक इतनी मस्त है ना बता नहीं सकता, लाइक कमैरो की तो हग्गी है उसमें लगता है कि भाई पूरा ट्रक जा रहा है, और ट्रक मतलब वो भागती वो भी है, मतलब ऐसा नहीं है वो भी 250 तक आराम से जाती है पप्पी देखिए, बट उसमें ऐसा लगता है कि फिर ट्रक रुकेगा नहीं, वो उड़ी जाएगा फिर, वो भारी सा लगता है, ये ऐसा लगता है कॉकपिट में बैठ गए एकदम, ऐसा ना टेक ऑफ ही कर जाएंगे अभी। चलो चलो मेरा ब्रेक क्या मस्त लगती है यार, मैं गोप्रो लाना भूल गया यार, मैं बेवकूफ हूँ। मैं ना कल क्या करूँगा, एक यहाँ पे माउंट लगा दूंगा, फिर तुम्हें पापड़ी का व्यूज मिलेंगे, जब भी गाड़ी में आया मैं ऑन कर दिया, मेरे पास इंस्टा 360 पे पड़ा हुआ है, मैंने देखा गुरुजी यहाँ पे 360 लगा के ही बातें करते रहते हैं, तो एक 360 हम भी इसमें लगा देंगे, एक इसमें लगा देंगे उसमें लगा देंगे, जब भी बैठे ऑन किया अपनी चिप निकाला डाला व्लॉग में डाल दिया, बिग बॉस भी हो गया ड्राइव भी होगी। ट्रैक फैब्रिक है आजकल हम चल रहे हैं ए पी डिलन। वैसे दिलजीत भी सुन रहे हैं हम, एक ना प्लेलिस्ट आती है वो इंडिया टॉप 100 की आती है ना आईट्यून्स पे, उसमें मस्त सारे गाने आते हैं। ट्रैक फैब्रिक है भाई, थोड़ी सी पार्किंग में दुबई की बैंड बज जाती है, और मैंने इधर लगाया वो कहता है सॉरी दिस पार्किंग हैज लीकेज, थोड़ी सी बारिश हो गई यहाँ पर, सत्यानाश रहता था सबका, बढ़िया लग रही है बड़ी जैगुआर नाइस पार्किंग मंस। हाई फाइव नाइस टू मीट यू बडी, गिव मी द फोन, गिव मी द फोन, चिपी नो वी clapping. What do you want to play? Say Mamu. Ha, ball. Which ball? This one? Oh, nice ones. We have lots of balls, Vihan. Get it. Yippee! Yeah! Hold my cap, buddy. Give it to me. Thank you. Do you want my cap? Get it. Give it to me now. Thank you. Say mamu. Mamu. Yeah, high five. You want to see? What is that? Why do you want my phone, buddy? It's my phone. Yippee! यहाँ पानी गीला हो गया, मुझे लगा सूसू कर दी मेरे पे, फट ली थी, मैंने लगा सूसू कर दी मेरे पे। वाओ वेरी डेंजरस। पूपट बुबू। सो गाइस, तुम लोगों के कमेंट्स पढ़ के तो मैं पागल हो जाता हूँ, मतलब ऐसे कमेंट्स लाते रह करो, डीएम करते रह करो, मैं बता रहा हूँ ये फॉलोअर्स जो बढ़ने हैं वो हो जाते हैं, फिर माइंड के साथ गेम खेलते हैं, तो थोड़ा सा धोखा हो जाता है मेरे साथ। पता क्या करो तुम लोग, 10 अगर एक जन है वो जाके बताएगा 100 लोगों को, 100 बताएंगे 1000 को, तो वो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, क्वाइट फैब्रिक है, तुम जाके 10 और दोस्तों को बताओ, 10 और आगे 10 को देंगे, सो इट विल बी अ चेन रिएक्शन। हम करेंगे वो कौन सा स्कैम था, कौन सा था वो नीरव मोदी स्कैम था, कौन सा था एमवे वाला स्कैम, पता नहीं कौन सा था, शिट यार मेरे घर के पीछे था सफारी नहीं है, सोचता था। गाइस ईशो ने बढ़िया अपना खाना प्रिपरेशन कर लिया, साले मेरे लिए भी बना के रख देता था, 4 डब्बे है भाई, नाइस वंस, ये बढ़िया है यार ये। गाइस पहले भी मैं भी ऐसे करता था, जब मैं पतला हुआ था ना मैं ऐसे ही जाता था, मैं अपने दिन के वो डब्बे बना लेता था फिर वही खाता था, बट इसमें चिकन तो है ही नहीं, चिकन नहीं है, है नहीं है,
चिकन मंगाना पड़ेगा ब्रैकेट्स। सो गाइस टिक्की आ जाएंगे पापड़ी के स्टाइल, इशू ले आया था सुबह भागा हुआ पता नहीं कौन सी लड़की के साथ, इतनी लड़कियां इसकी लाइफ में मैं क्या बताऊं। कहता मैं कॉफी लेकर आ रहा हूं, मैंने किसके साथ, कह रहा उसके साथ, मैं वो कौन इधर किधर। हम बना रहे हैं हेल्दी खाना एकदम स्टफ्ड, KFC को बाय बाय बोल दिया, हम बना रहे हैं पापड़ी के टिक्कीज, सिर्फ ये खाएंगे नो कार्ब्स। नाइस वन, पापड़ी के स्टफ बन चुके एकदम डिलीशियस, अटरली बटरली डिलीशियस अमूल। ओके बबलिंग। सो गाइस अभी हम मेड प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही थी अभी पूरी, अभी क्या कर रहे थे हम बता, 2022 रोड मैप हम बना रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे भाई कि कैसे कैसे आगे बढ़ा जाएगा। तो अभी मैं देख रहा था एक बंदे ने भाई कमेंट किया, मैं 50 बार कमेंट कर दिया इसने, पार्टी व्लॉग पार्टी व्लॉग पार्टी व्लॉग, अबे साले लिवर मेरा तेरा नहीं है, पार्टी व्लॉग पार्टी चल रही है। अब पार्टी होगी मेरे बर्थडे पे एक महीने बाद होगी, तब तक के लिए थोड़ी सी हम मटर गश्ती कर लें। अब बैक टू वर्क हो गया है तो अभी हम वही हम डिस्कस कर रहे थे कि जब तक विजन नहीं होता दिमाग में तब तक अचीव नहीं कर सकते, तो मैं इसको भी ये कह रहा था कि एक विजन होना चाहिए कि अभी इस टाइम तक ये करना है, इस टाइम तक ये करना है। तो अभी हम वही प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे, नए लोगों को हायर कर रहे हैं एंड इंडिया से लोगों को और बुलाना है, फिर यहीं हम बिग बॉस खोलेंगे साथ में और यहीं पर काम कराएंगे। एनी हू गुड डे टू यू, हम जा रहे हैं ऑफिस जा रहे हैं, चल हम ऑफिस जाने। मेरा पुराना हमारा एक कंप्यूटर था उसमें हम बहुत घोर कलयुग चीज़ें करते थे, अभी वो आजकल यहाँ है नहीं इसलिए हम मटर गश्ती नहीं कर पा रहे हैं, उसको ऑफिस ले जाता हूँ फिर हम उस पर खुराफाती करेंगे। बंदर साला अभी तक आया नहीं, कह रहा कॉफ़ी में जा रहा हूँ बस 5 मिनट में आया, बस 2 मिनट में, अभी तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ मटर गश्ती कर रहा है। अभी उसकी क्लास लेंगे बढ़िया एकदम। पार्किंग सेंसर पहली बार ऑन किया मैंने इसका, ऊपर होता है इसका पार्किंग सेंसर, बट पैपरी के परिवार ही शराब भी हमारा, मैं क्या बताओ। तभी मैं कहता विहान के बाद मैंने कहा तुम लोग उसको छोड़ के पार्टी कर रहे हो वहाँ पे अकेले अकेले, लूजर्स भाई, मेरे व्लॉग ज्यादा देख लिए उन्होंने भाई, गलत पार्टी चल रही है, नेक्स्ट लेवल पार्टी। अभी मुझे फोन आया, पहले फोन करती 8 बजे पहुंच के, क्या कर रहे हैं पार्टी करा दे, मैं कहा भाई हमने छोड़ दिया पार्टी खत्म हो गया, नहीं नहीं पार्टी चलते हैं, कहाँ चलते हैं से। फिर भी फोन करती कि 10 मिनट का व्लॉग कौन डालता है। मैंने कहा काम कर तू शराबी वीडियोस भेज दे, मैं लगा देता हूँ में डाल देंगे। चल के रहे भाई मस्त है ऐसे, यॉट पार्टी नहीं गई वैसे हमने, भूल गया। पर ये वैसे फॉर अ यॉट पार्टी बहुत सोबर है, मैं अपने बर्थडे पे यॉट पार्टी कर सकता हूं, ऐसे बर्थडे पे सोच रहे थे वो वाला बंदा कहां है साला, कौन अब मीटअप पे एक बंदा मिला, कह रहा है भैया मेरा फार्म हाउस है छतरपुर में, मैं कहा ठीक है पूरा तो मैं भी आ गया, फिर तो स्टेज में पूरा बुक कर दिया है ना, देखो अपने अपने सब ले आना, BYOB BYOT सब भी वहां पे सबको बुला लेंगे ना, कॉन्सर्ट की तरह कर लेंगे एकदम, टुमारोलैंड मेरा पहला कॉमेडी शो भी हो जाएगा ऊपर जाके, मैं टुमारोलैंड डीजे कौन है, डीजे चिंटा। और यार बर्थडे के सजेशंस दो गाइस, क्या करना चाहिए, पूपेट्स और मेगा पूपेट्स बीबी। अभी तक नहीं आया, ओ भाई कितने बजे, 10:30 बज रहे हैं, फोन मिलाइए उसको, बेटा कहाँ हो तुम, सुबीर की मम्मी सारे लोग देखती हैं, उसका फोन आता है, अच्छा ये कौन थी वो कौन थी। सर गाइस हाथी को हम ले आए हैं क्योंकि मैं स्टोरी बता रहा था, तो मैंने कहा यार छोटे लोग तुम लोगों को पसंद नहीं आते हैं, तो ये बहुत पतला है, तो मैं इसको कह रहा था अभी इसने एक खाना खाया
7:30-8 बजे खाया था तूने पूरी प्लेट, इसने पास्ते की खाई भर के, मुझे लगा कल के लिए, ये तो रात के लिए था। एनी हू, मैं इसको बता रहा था कि जब अर्नव और मैं बहुत पतले थे जब गोवा में हम गए थे ना, तो हमने अर्नव दो दो तीन तीन टी शर्ट्स पहनता था, इसको लगता था यार लड़कियों के सामने से जाऊंगा डिंडू सा कोई कुछ बोल ना दे, पतला सा एकदम पतला, तेरे जैसा पतला था और मोटा नहीं होता था वो, तीन तीन लेयर पहनता था टी शर्ट्स की, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। तो हमने हम बेले होते थे, पता नहीं क्या करते थे, बस बहुत ही बेले होते थे। तो हमने सोचा चल ठीक है यार अब हम मोटे होते हैं, हाँ ऐसे ही हमने, हम मोटे होते हैं। तो हम क्या करते थे, इसके घर जब भी खाना खाने जाते थे 12-12 रोटियां खाते थे, और इसके घर में वेज खाना होता तो वेज वैसे ही पता नहीं चलता, पनीर बनता था रोज, संडे टू वेडनेसडे फ्राइडे हर दिन पनीर, और पनीर सिर्फ पनीर नहीं, पनीर और आलू मिक्स बनता था, पनीर और आलू मिक्स बनता उसके घर पे। एनी हू, तो हम क्या करते थे 12-12 रोटियां खाते थे, जैसे अभी तूने खा लिया, इसके बाद ये स्पेशली वो जो अखाड़े वाले ग्लास नहीं होते पीतल के, वो मंगवाए थे इसने एक एक लीटर के, उसमें मुझे उस बंदे का नाम नहीं याद, पर उस टाइम पे छोटू नहीं था, उस टाइम पे कोई और था, वो कोल्ड कॉफी बनाती, आंटी बनाती थी, सॉरी आंटी कोल्ड कॉफी बनाती थी एक लीटर के, तभी मैं कह रहा हूँ एक लीटर वो दूध दोपहर को रात को सोने से पहले एक एक लीटर पीता था दूध, फुल फैट, उसके बाद सिर्फ फैट ही फैट आया। तो किसी का मोटा होना है तो दूध के साथ खाने के बाद दूध पियो एक एक लीटर ग्लास के साथ जबरदस्ती, ठिश ठिश ठिश, उसके बाद गारंटीड रिजल्ट्स। किसी को स्लिम होना है तो फिर तो मैं जब हो जाऊंगा तब बताऊंगा। मोटा होना आता है, पतला होना नहीं आता। चल एक लीटर निकाली तेरा लेके आता हूँ, चल आज हम इशू के साथ करेंगे एक लीटर मिल्क चैलेंज, किसमें पिएगा बता, बढ़िया दूध बनाऊंगा एकदम। इसको मैंने मास्क एक बार मास्क गेनर भी दिला दिया था, मैं कहा तूने खा लिया था ना वो, कुछ नहीं हुआ उसमें। मास्क गेनर तीन कट्टे का खा गया, कुछ नहीं हुआ इसको। चलो हम कैमरे के रखते हैं यहाँ पे, फुल फैट लाया था एक बार तेरे लिए, फुल फैट है, लो फैट है, तो चल इसको क्या बनाया तेरे लिए भाई, तू मोटा कैसे होगा बढ़िया फिर बनाता एकदम। सबसे पहले मोटे होने के लिए लेंगे हम बहुत सारा दूध, दूध में डालेंगे थोड़ी सी शक्कर, शिका का शैम्पू, अबे शक्कर है घर पे। तो ये तेरे लिए डाल दिया मैंने, कितने 2 लीटर 1 लीटर, अबे इतना थोड़ी पीना है, अबे बढ़िया बना रहा हूँ, पाव हो जाएगा टेस्टी एकदम एकदम पापड़ की तरह, ठीक है। इसमें हम डालेंगे, ओ वाह आइसक्रीम में बढ़िया, ये देख बढ़िया दूध बना रहा हूँ तेरे लिए एकदम, कुकी क्रम्बल समझा। इसमें हम डालेंगे बेन एंड चेरीज की कुकी डो, बस बस ठीक है, उसका फ्लेवर भी डालना चाहिए बढ़िया एकदम, तो वो डाल दो ना पीछे वो, अभी बड़ा कुछ है ना सब कुछ एक्सपेरिमेंट, ये अच्छा आइडिया, इसको पतला इसको मोटा करेंगे मैं खुद पतला हो जाऊंगा, इतना अच्छा खाना बना रहा हूँ बट खाऊंगा नहीं। अब हमें चाहिए सिनेमन बेलीज, ओके दारू की एक चक तो हो ही जानी चाहिए, वैसे हम इसको दारू रोज ट्राई कर सकते हैं। इसकी भी स्टोरी मैं बताता हूँ, बहुत मस्त मस्त स्टोरीज है मेरे पास, जैसे ये बेलीज देखिए मेरे को स्टोरीज याद आ गई, एक हमारा एक और था उसका नाम था खन्ना जी, वो बेचारे एक्टर है अभी करण जौहर के साथ अभी आएंगे तुम्हें दिखेंगे पर्दे पे, वो पर्दे पे दिखते रहते हैं ऐसे, वो तो उसके साथ बहुत स्टोरीज हैं, उसके ना फ्रिज में ना ये पड़ी होती थी, हम उसे ना नेट आउट करने जाते थे, वो सीधा सोता था, मैं उसको बिगाड़ता था, गाड़ी वाड़ी सब उसको सिखाई थी, तो सब लोग सो रहे होते थे, मैं कहा 2 सेकंड में आया मैं तेरे रूम से बाहर जाता था, दारू की उसकी ना हमेशा फ्रिज में ना बेलीज पड़ी होती थी, आता था डिग 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 फ्रिज में रखी चले गए, सब उसकी मम्मी पूछेंगे ये बेलीज कितने खाते करी, तो शायद वो बड़ी मस्ती करते थे। एक बार हमने अपने घर की सारी दारू फेंक दी थी, फिर हम लोग बैठ के बेलीज पी रहे थे। ओ हाँ, एक बार हमने जोश जोश में भी ऐसे क्या फेंकी थी, मैं इस्ता को दिया था। हाँ, इस्ता दिया था। ओ हाँ, सारी मैं बेच आया था उसको 1000-2000 में। सो गाइस इसमें डालेंगे हम पापड़ी का फेरो रोशर, ये हम बना रहे हैं बढ़िया 2000 कैलोरीज का बढ़िया दूध, बढ़िया बनेगा एकदम, और सम नीचे वो नाइस वॉन्स, तो बढ़िया लग रहा है मुझे भी, अब आप भी पी लो, तो मैं ही बन जाऊंगा, तू नहीं बनेगा मैं ही बन जाऊंगा। और इसमें हम डालेंगे हम थोड़ा सा अमूल घी डालते हैं। नहीं 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 अभी वो क्या ओरियो ओरियो नहीं पड़े, चॉकलेट फ्लेवर पड़ी है हमारे पास, वो ये प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, पैसे नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है हमारे पास, पीनट बटर थोड़ी है, दोनों वो मिक्स हो जाएंगे, पक्का हमारे पास वो नहीं है, कोई बिस्किट बुस्किट नहीं है, नहीं भाई चाय डाल दो उसमें, Sure. ये है ओरियो
chill out your ears. Very nice and sassy. Oh, ऊपर से तो दिखा था इसमें बढ़िया नहीं दिखा रहा, तो व्यू नहीं दे रहा इनको. We have some nice vegetables. जिंगी को फेल कर देंगे हम. इसको बोल जिंगी तेरे खाना 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 खजाना. मैं बताता हूँ कैसे बनाते हैं खाना. खाली मैगी पे चीज डालते हैं, दिखाती रहती है. ये देख, now we share some good stuff. Ooh, some nice chocolates. ठीक है. ओ थोड़ी सी आइस. यार ये भाई फ्लट ना हो जाए, मैं ज़्यादा भर दिया इसको. दो बार ही बनाना पड़ेगा इसको. चलो अभी लगा तो दो पहले. नहीं होगा, हो जाएगा बस. ठीक है, अब बन जाएगा. मेरे को मिक्सी से ना हमेशा डर लगता है, मैसेज होता है. एक बार नाना जी ऐसे मिक्सी चला रहे थे, ब्लेड कट गया था, पेट पे लग गया था. मैं भी पीछे था, मैं स्विंग किया एकदम से. चल बेटा, तू रोज अगर ये पीता रहा ना, गारंटी दे रहा हूँ एक महीने में 10 किलो बढ़ जाएगा तेरा, समझा? दो बार में पी लूंगा. ट्राई तो करो. बहुत सेक्सी बना है, मतलब बहुत टेस्टी है. चल ट्राई कर. बॉटम्स अप. बॉटम्स अप. ये ले, चीयर्स. आइसक्रीम आइसक्रीम एकदम. आइसक्रीम थोड़ी साले इसमें स्वाद अनुसार डाला है. उवर ये रोज पी ले, मजा आ जाएगा तुझे. सो गाइस, हमने आज इशू को थोड़ा सा मोटा कर दिया. ये रोज पिएगा, आप देखते हैं. 30 डेज ये चैलेंज कर ले. ठीक है, अच्छा पहले जरा वेट देख लेते कितना है. वेट देख लेना कितना है. 0 होगा इसका वेट. फटके 4 कितना खत्म किया तूने? दिखा आधा भी नहीं हुआ भाई, खत्म करना उसको तभी तो. अबे झाग गेंडा कैसे होगा साले, पी उसको. ये देखो गाइस, मेरे को मैसेज आ गया धुड़म धुड़म. भाई बंदी ने ऐसे लिख दिया, मैं कह रहा दीदी कैसे पढ़ूं मैं इतना लंबा मैसेज. फिर सब ब्रेकेट्स आ रहे हैं. एक कहता सर डिजिटल मार्केटिंग में कोर्स करने की सोच रहा हूं, कैसा रहेगा? तभी करूंगा अगर आप नौकरी दोगे साले. सो गाइस, हम ये सभी डिसाइड कर रहे थे कि वैकेंसीज, सबको वैकेंसी चाहिए. मैं नॉर्मल हूं, हम वैकेंट हो जाते हैं. हम वैकेंट हो जाते हैं सर, सबको नौकरी चाहिए. तो मैं सोच रहा हूँ हम कुछ एक कुछ करें, कुछ प्लेटफॉर्म बनाएं जहाँ पे सबको मौका मिलेगा चौका मारने का. जिसने चौका मार लिया वो छक्का मार पाएगा, या जिसने मौके पे चौका मार लिया वो मौके पे चौका हो जाएगा, बाकी सब पुपट्स हो जाएंगे. बट मौका सबको मिलना चाहिए मेरे हिसाब से. अभी हम करते हैं कुछ बंदोबस्त कर रहे हैं. बंदोबस्त अच्छा बता दी, कॉफी इतनी लंबी कॉफी कौन सी पी गया है? नहीं तो कॉफी इतनी लंबी, घर जाना पड़ गया. चलो गाइस, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं. अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो. कल का हम प्लान बनाते हैं, बट कहीं जा नहीं पा रहे आजकल. बट और बंदर कहीं चल रहे हैं कि नहीं कल? हाँ, जा सकते हैं. कहाँ चलते हैं? एन दुबई चलते हैं, नहीं तो वो स्लाइड तो करके आए. स्लाइड करके आते हैं तो देख, अभी बुक करा. स्लाइड कर सकते हैं, फोटो ले लूँ वाली. हाँ ले लूँगा, पक्का लूँगा, फ्री में लूँगा, तेरे लिए पैसे भी लूँगा. देख कितने का है उसको बुक करा, चलते तो चलना फिर भाई. दोपहर में जाएंगे तो अपना यहाँ पर ऑनलाइन छोड़ दियो, पता नहीं चलेगा इसको. चलो गाइस, कल मिलते हैं. ब्रेक इज गुड डे टू यू बबू.